नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। दोस्तों देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित मैंने आपको दो वीडियोस अपलोड कर दिए थे, उसमें हम इसका थ्योरी पोर्शन देख चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने कहा था कि जितने भी इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैं आप लोगों को ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगी। तो देखिए, वो मैं लेकर के आ गई हूँ। तो अगर आप नए हैं चैनल पर और नहीं देखे हैं वो वीडियोज़, तो प्लीज़ जा कर के देखें, एक बार चैनल पर विज़िट करें। काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जो है मैं वहाँ पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप अपनी स्टडी को वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और देखिए, एक एक पॉइंट पर जो है मैं बात कर रही हूँ, एक एक पॉइंट पर वीडियोस बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ करके रहें। रीट की प्रिपरेशन के लिए 100% जो है प्रिपरेशन करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और नए पधारे हैं चैनल पर दोस्तों, तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करके जाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सही नहीं कथन पूछ रहा है। तो देखिए, उपभोक्ता ही अनुसंधानकर्ता होता है, बिल्कुल होता है। समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल, क्योंकि जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। तो देखिए, छोटी मतलब कम समय लेने वाली समस्याएं होती हैं, तो डेफिनेटली शीघ्रता से प्राप्त होगा। समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो समस्याएं होती हैं उनका हल अभ्यास में नहीं लेना होता है, केवल उनका जो है हल ढूंढना होता है। तो देखिए, ये जो है वो गलत हो जाएगा। और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मूल्यांकन तो जो है बिल्कुल इसके एसेंशियल पद हैं, आपको पता है 6 या 7 पद मैंने बताए, बाकी जो अधिकतर अगर आपके आंसर में ऑप्शन 7 ना हो तो आपको 6 पद तो आएंगे ही आएंगे, 6 पद जो हैं वो तो देगा ही देगा। तो आप लोग जो है उसको सिलेक्ट करें, यानी कि 6 पद जो है वो बिल्कुल डेफिनेट आंसर है। वैसे जो है मूलतः जो है 7 पद हैं, लेकिन 6 जो है ये माने जाते हैं, और आंसर में जो है अगर ऑप्शन में अगर 7 ना दिया हो तो आप लोग 6 पद ज़रूर टिक करें। तो देखिए, यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है कहलाता है। तो देखिए, ये तो क्रियात्मक अनुसंधान है इसमें आंसर, क्योंकि देखिए क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, जो विद्यालय में विद्यालय के व्यक्तियों द्वारा और विद्यालय से रिलेटेड समस्याओं के लिए किया जाता है। बस क्रियात्मक अनुसंधान को अगर हम शॉर्ट में समझें तो देखिए, इसमें जो है मेन जो बात होती है कि ये विद्यालय में होता है, विद्यालय से रिलेटेड व्यक्ति इसे करते हैं, और जो है विद्यालय की समस्याओं से ही संबंधित इसको लिया जाता है। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का मीनिंग बस यही होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया होती है, वैज्ञानिक चिंतन, विकेंद्रीय चिंतन, परावर्तित चिंतन, उपरोक्त सभी। देखिए, सभी एंगल से जो है चिंतन किया जाता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि समस्या जो होती है उसे सॉल्व करने के लिए हर तरह का एंगल जो है अनुसंधानकर्ता उपयोग कर सकता है। तो देखिए, फोर्थ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम है, अनुधैर्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम, उपरोक्त दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, दोनों ही जो है इसके आयाम हैं। आप बिल्कुल इस आंसर को जो है याद रखें, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है शिक्षण में सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्या समाधान हेतु, उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें सारा कुछ जो है विद्यालय की समस्या से रिलेटेड ही है तीनों ऑप्शन। तो देखिए, आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है विषय का स्वामित्व होना, समस्या का बोध होना, समस्या से संबंधित होना, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। तो देखिए, ये तो किसी भी ऑर्डिनरी जो अनुसंधान करता है उसमें ये तीनों विशेषताएं होती है, विशेष विषय का स्वामित्व होना होता है, समस्या का बोध, समस्या से संबंधित होना होता है। तो देखिए, ये तो किसी भी मतलब जरूरी नहीं है कि क्रियात्मक अनुसंधान करता ही हो, कोई भी अनुसंधान करता होगा तो उसके लिए तो ये आवश्यक ही है। लेकिन पर्टिकुलरली क्रियात्मक अनुसंधान की अगर बात करें तो अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना बहुत अनिवार्य है, अगर जो अनुसंधान करता है उसके लिए उससे रिलेटेड जो है शैक्षिक योग्यता होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो फोर्थ जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है। तो देखिए, स्टीफन एम कोरे, मैं आप लोगों को नोट्स में बता चुकी हूँ अपने कि स्टीफन एम कोरे जो है इसके प्रवर्तक हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो
ऐसा जो क्वेश्चन है, इस तरह का ये क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखें, स्टीफन एम कोरे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अनुसंधान का मुख्य कार्य है नए सत्यों को स्थापित करना, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, नए तथ्यों की खोज करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए मौलिक का तो मतलब ही नया होता है, और इसमें जो है नए सत्य खोजे जाते हैं, नए सिद्धांत खोजे जाते हैं, नए तथ्यों की खोज की जाती है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है। तो देखिए विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, तो देखिए ये तो बिल्कुल है इसमें महत्व, एक समय में एक ही परिकल्पना का सत्यापन, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए जो क्षेत्र लिया जाता है वो सीमित लिया जाता है और डे टू डे लाइफ की किसी एक समस्या के ऊपर अनुसंधान किया जाता है। तो देखिए ये भी रहेगा, समस्या के समाधान का रूप आदर्श होता है, तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अनुसंधानकर्ता कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं होता, कोई स्पेशलाइजेशन लिया हुआ व्यक्ति नहीं होता, बल्कि जो है जो विद्यालय के जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि कोई भी हो सकता है, उसमें छात्र हो सकते हैं, वहाँ पर कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं, खुद प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, या फिर कोई कर्मचारीगण होता है, बस विद्यालय से रिलेटेड व्यक्ति होना चाहिए। तो जब वो अनुसंधान करता है तो देखिए वो कोई स्पेशलिस्ट नहीं होता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसका समाधान निकले वो आदर्श रूप में ही निकले, तो ये जो है आंसर इसमें सही रहेगा, यानी कि क्योंकि इसमें देखिए महत्व नहीं है पूछा है, गलत आंसर पूछा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा। 4th जो है शिक्षक को कार्यकुशलता का अवसर मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है, अनुसंधान में जो है जो शिक्षक होता है उसकी जो क्वालिटी है और ज़्यादा निखर के आती है, तो देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान होते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, मैंने 7 सोपान आप लोगों को बताए हैं, लेकिन देखिए जनरली जो है अगर आप लोगों को 7 ऑप्शन में ना मिले तो 6 तो मिलेगा ही, तो आंसर जो रहेगा इसमें 4 जो है आंसर, यानी कि 6 सोपान वो बिल्कुल सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा कक्ष में हो रहा है, ये कथन किसका है? तो देखिए ये जो डेफिनेशन है कोठारी आयोग द्वारा दी गई थी, तो देखिए तीसरा जो है ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा अनुसंधान के 4 स्तरों में सर्वाधिक उच्च स्तर कौन सा है? तो देखिए सैद्धांतिक अनुसंधान जो होता है वो सर्वाधिक उच्च स्तर होता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, सैद्धांतिक अनुसंधान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय की उत्पत्ति स्रोत है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का अनुसंधान प्रत्यय के उत्पत्ति स्रोत कौन सा है? आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत, मानव सभ्यता सिद्धांत, प्राचीन मानव व्यवस्था सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए आधुनिक मानव व्यवस्था सिद्धांत जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान प्रत्यय की उत्पत्ति का स्रोत है, यानी कि ये इनोवेशन है, नए तरीके का अनुसंधान कार्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है, आप लोग बिल्कुल आंसर याद रखें कि सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है, तो तीसरा आंसर जो है बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने अपने क्षेत्रीय सिद्धांत में क्रियात्मक अनुसंधान के संकेत दिए हैं? तो देखिए क्षेत्रीयता का सिद्धांत जो है कर्ट लेविन ने दिया है, तो उन्होंने ही जो है क्रियात्मक अनुसंधान के जो है संकेत दिए होंगे, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय सिद्धांत तो उन्हीं का है, तो देखिए 4th जो है इसका आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुसंधान का कार्य है समस्या का समाधान करना, मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना, उपरोक्त दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए उपरोक्त दोनों ही जो है इसके कार्य हैं, एक तो नए तरीके के जो प्रश्न है उनका उत्तर दिया जाता है, और जो समस्या सामने आई है उसका समाधान किया जाता है, तो तीसरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य है? तो देखिए शिक्षा अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, सत्यों का प्रतिपादन करना, सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, तो जो 4th है वो इसका आंसर रहेगा। देखिए 17 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी, और इसी के साथ जो है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है मैं आपको शिक्षण विधियों से रिलेटेड, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर शिक्षण विधियां जो दे रखी हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, और उसमें जो है शिक्षण अधिगम व्यू रचनाएँ जो हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक में हम लोग जो है ब्लूम का वर्गीकरण देखेंगे, ब्लूम के वर्गीकरण को स्टार्ट करेंगे हम लोग, उसका पार्ट 1 मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। लगातार मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, साथ में वीडियो को लाइक करके जाएं, और अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।